बिना किराए दिए चल रही थी 10 दुकानें। अफसरों को 10 साल बाद आया ख्याल, वसूली की तैयारी। जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को हर साल लग रही लाखों की चपत। जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति की 10 दुकानें विक्रेता बिना किराए दिए 10 साल से चला रहे हैं। इससे रोगी कल्याण समिति को सालाना लाखों रुपए की चपत लग रही है। हैरानी की बात है कि 10 साल तक जिला अस्पताल प्रबंधन इन दुकानों को भूला रहा और यह खुलासा हुआ कि विक्रेताओं बिना किराए दिए ही सालों से दुकान चला रहे हैं। अब इन विक्रेताओं से किराया वसूलने की तैयारियां की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जिला अस्पताल की इन 10 दुकानों का निर्माण 11 साल पहले राजस्व विभाग ने करवाया था। आवंटन भी राजस्व विभाग ने ही किया था। विक्रेताओं ने एक मुश्त पगड़ी की राशि की राजस्व विभाग को जमा कर दी थी। पूरी प्रक्रिया से जिला अस्पताल प्रबंधन और रोगी कल्याण समिति को दूर रखा गया। इसी के चलते विक्रेताओं द्वारा रोगी कल्याण समिति को किराया भी नहीं दिया जा रहा है। अगर बात करें मामले की खुलासे की तो रोगी कल्याण समिति की बीते दिनों बैठक हुई। सामने आया कि जिला अस्पताल परिसर की जमीन से कुल 64 दुकानें चल रही हैं। अब आय व्यय पर चर्चा शुरू हुई तो सामने आया कि 64 विक्रेताओं से केवल 54 दुकानों का किराया जमा हो रहा है। बाकी 10 दुकानों से किराया की रोगी कल्याण समिति के पास कोई जानकारी नहीं है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया। 10 दुकानों के संचालन और किराए की जानकारी मांगी तो स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। तब मामले का खुलासा हुआ।